कुंडरी अमीराबाद गोदाम रोड पर नौजवान सेल्समैन आमिर उर्फ चांद कायम खानी से नामालूम अफराद की जानिब से डकैती के दौरान पौने 2 लाख रुपए नकद रकम, मोबाइल फोन और डिवाइस लूट ली गई। मुजाहमत करने पर नामालूम मुलजमान की जानिब से कुल्हाड़ियों के वार करके सख्त जख्मी हालत में छोड़कर फरार हो गए। जख्मी हालत में नौजवान को शहरियों की जानिब से तालका अस्पताल कुंडरी पहुँचाया गया। उसी दौरान पुलिस भी तालका अस्पताल कुंडरी पहुँच गयी, जहाँ तफ्तीशनाक हालत होने की वजह से नौजवान का बयान ना रिकॉर्ड हो सका और नौजवान को फौरी हैदराबाद रेफर कर दिया गया। खबर जंगल में आग की तरह शहर में फैल गई, जिसके बाद बड़ी तादाद में शहरी और दुकानदार तालका अस्पताल पहुंच गए और बाद अजां कुंडरी पुलिस स्टेशन पर सख्त एहतजाज किया गया। इसी दौरान इतला मिलने पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेंबर कौमी असम्बली नवाब मोहम्मद यूसुफ तालपुर कुंडरी थाने पहुंच गए। नवाब मोहम्मद यूसुफ तालपुर की जानिब से बदअमनी के इस वाक्य पर सख्त भरमई का इजहार करते हुए 2 दिन के अल्टीमेटम पर नामालूम मुलजमान को गिरफ्तार करने और लूटा गया सामान वापस करवाने की हदायत पुलिस को की गयी। जी कुछ है पुलिस के टास्क दिनो तो मुख्य यो रिकवर कर दुकान तो रिकवर न कन तो समझस ये पुलिस वाला इन्वॉल्व के इन नंबर से ढीन बो अड़को टास्क साल लिबा जाए बिन यह खबर है पुलिस जो सच्ची थी ना तो न लिख। उन्होंने आईजी सिंध से भी राब्ता करके सूरतेहाल से आगाह करते हुए इंसाफ की यकीन दहानी करवाने के बाद एहतजाज खत्म किया गया। वाकये का मुकदमा नामालूम इफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। वाकये के बाद शहरियों और कारोबारी हलकों में खौफ और हरास का समा।